नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्राउंड जीरो में। आज का हमारा यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप में से कई लोगों ने हमसे पूछा है कि हम अपने ब्लॉग वेबसाइट में नोटिफिकेशन बेल किस प्रकार से लगाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में नोटिफिकेशन बेल लगा सकते हैं। इस वेब पुश नोटिफिकेशन के लिए मैंने कई सारे न्यूज पोर्टल को देखा, कई सारे वेबसाइट को खंगाला और अंत में जाके मुझे एक टीवी न्यूज के वेबसाइट पर इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिला। उसके बाद उसके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और अंत में जाके मुझे उस वेबसाइट का पता चला जहां से इस नोटिफिकेशन को हम अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुश नोटिफिकेशन होता क्या है। तो जब भी कोई आपके ब्लॉग वेबसाइट पर विजिट करता है तो उसे उसके ब्राउजर में इस तरह का एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जिसे अलाउ करने के बाद आप जब भी कोई नया पोस्ट लिखेंगे तो उसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक आता रहेगा। तो जब आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में पुश नोटिफिकेशन लगा लेंगे तो आपके ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज होगा और आपका ब्लॉग वेबसाइट रैंक करने लगेगा। तो इसे अपने ब्लॉग वेबसाइट पर किस प्रकार से लगाया जाता है यह बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि वेब पुश नोटिफिकेशन किस प्रकार से हम अपने ब्लॉग वेबसाइट में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में वेब पुश नोटिफिकेशन लगाते हैं तो वह किस प्रकार से नोटिफिकेशन देता है। तो इसके लिए हम अपने ब्राउजर में टाइप कर लेंगे biharpatna.com। मैंने टाइप कर दिया है और ये वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर आपको इस तरह से नोटिफिकेशन दिखाई देने लगेगा और जब कोई इसे अलाउ कर देगा तो जब भी आप कोई नया पोस्ट डालेंगे तो उसे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे आपके ब्लॉग वेबसाइट का ट्रैफिक जनरेट होगा। तो इस वेब पुश नोटिफिकेशन को हम अपने ब्लॉग वेबसाइट पर किस प्रकार से लगाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, नोटिफिकेशन पावर बाई iJuto, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। उस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी भर देना है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भर देंगे, यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट का URL डालना है। उसके बाद आई हैव नॉट ए रोबोट पर टिक लगा के आई एग्री पर टिक लगाना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम भर दिया है, अपना ईमेल आईडी भर दिया है, अपना फ़ोन नंबर भर दिया है और यहाँ पे पासवर्ड भर दिया है और यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग वेबसाइट का URL डाल दिया है। यहाँ से आपको www से लेकर डालना है। HTTP यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर www से डालना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल iJuto पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक HTML कोड मिल जाएगा, जिसे आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट के थीम में जाकर के पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉपी ए पेस्ट दिस कोड बिफोर हेड टैग ऑन वेबसाइट पेज। इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये आपका देखिए कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद जाएंगे हम अपने ब्लॉग पर, उसके बाद थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर एडिट HTML पर टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको हेड देखिए मिल जाएगा। हेड के बाद उस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। यदि आपके थीम में इस तरह का हेड नहीं मिल रहा है तो आप थीम पर कहीं भी क्लिक कीजिए, उसके बाद कंट्रोल F बटन दबाइए और इस सर्च बॉक्स में इस तरह का कोड डाल के इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाएंगे तो ये हेड टेल पीला कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके सामने क्लिक करना है, उसके बाद इंटर दबा के इस कोड को पेस्ट कर देना है। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये कोड आपका पेस्ट हो गया है। उससे पहले मैं आपको इस ब्लॉग को दिखा देना चाहता हूँ। जब मैं इस ब्लॉग को ओपन करूँगा तो इस पर किसी तरह का भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे हम व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर किसी तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम इसे सेव थीम पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका थीम सेव हो जाएगा। अब ये थीम सेव हो गया है। अब इस ब्लॉग को हम दोबारा से देख लेते हैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके। और जब मैंने व्यू ब्लॉग पर क्लिक किया तो देखिए आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर बेपुश नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।